ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द जेमिनी साइन यानी कि मिथुन राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप सभी लोगों के लिए कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। जनरल रीडिंग है, सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं, वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की जो डिटेल्स हैं वो इधर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो जेमिनी, लेट्स बिगिन द रीडिंग और देखते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में। पहले बात करते हैं और फिर हम बात करेंगे करियर के बारे में। फीलिंग अलोन, फीलिंग लेफ्ट आउट एंड हीलिंग योर सेल्फ। इट्स अबाउट यू आर कनेक्टिंग विद द सोर्स राइट नाउ। समथिंग हैज हिट यू, आपको कुछ ना कुछ जैसे कहते हैं एक लाइट ने आपको हिट किया है। नाउ यू आर रियलाइजिंग, आपको बहुत कुछ रियलाइज हो रहा है। फीलिंग स्टक, ऑल दो आप स्टक फील कर रहे हैं, और देयर इज समथिंग लाइक यू नो लाइक कहते हैं ना, किसी चीज़ से ऊपर उठ के जब आप देखते हैं तो आपको हर चीज़ क्लियर दिखाई देती है। तो वो सिचुएशन मुझे जेमिनी के लिए दिखाई दे रही है। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर हैं, यस ऑफ कोर्स टावर मूवमेंट कुछ के लिए हो सकता है। जैसे कामिक, दिस वॉज अ कामिक कनेक्शन, और दे आर कमिंग आउट ऑफ इट, या कुछ के लिए हो सकता है। दे आर गोइंग थ्रू समथम लाइक टावर, यू नो, बहुत कुछ मन में चल रहा है, इमोशनली वेरी वेरी अपसेट और डाउन, या कुछ के लिए हो सकता है। दे आर ट्राइंग टू कम आउट ऑफ इट। मुझे लगता है ये हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा टेंशन सीकर हो, प्लेयर एनर्जी में हो, और मे बी दे वॉन्ट अटेंशन, यू नो, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। अब वेट कर रहे हो, और मे बी हो सकता है कि उनको इस चीज़ का भी हो कि दैट यू आर नॉट गिविंग देम दैट मच अटेंशन। ये भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। नाउ आगे की अगर बात करें, देखिए मुझे ऐसे लग रहा है इट्स अ थर्ड पार्टी कनेक्शन शायद हो सकता है। देयर इज़ समथिंग बिटवीन यू। सो फीलिंग्स है, इमोशंस है, बट ओवर पावर हो रहा है बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी। तो लॉन्ग रन की अगर बात करें, मुझे ऐसे लग रहा है देयर इज सम डिसअपॉइंटेड एनर्जी, शायद हो सकता है देयर आर लॉट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, या यूँ कह लीजिए कि कोई जैसे कहते हैं ना गिव अप कर देता है, तो हो सकता है कि वो आप ही हो जो मैंने जो गिव अप कर दें। तो वो चीज़ मुझे लॉन्ग रन में भी दिखाई दे रही है। अगर स्पेसिफिकली आप इस पर्सन के बारे पूछते हैं तो आई थिंक देखिए, इमोशंस होना अलग बात है, फीलिंग्स होना अलग बात है, लेकिन उनके लिए कुछ स्टेप उठाना, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग, यू नो। सो फॉर दैट थिंग आई थिंक देयर इज़, ओ माय गॉड, वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। सो देयर इज़ समथिंग, मे बी यू बोथ आर मैरिड, मे बी यू आर विद अ रॉन्ग पार्टनर, आई डोंट नो, और देयर इज़ स्टफ लाइक दैट। तो कुछ चीज़ें हैं जो उनका सॉर्ट आउट होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। तो हो सकता है कि एक बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल कनेक्शन ये हो सकता था या पोटेंशियल था, लेकिन क्योंकि उनकी लाइफ में शायद कुछ और चल रहा है, आपकी लाइफ में कुछ और चल रहा है, तो चीज़ें उतनी स्मूथ नहीं चल रही हैं। चलिए अब हम करियर की बात करेंगे फॉर ऑल द जेमिनी पीपल। करियर वाइज व्हाट्स गोइंग ऑन, फॉरवर्ड मूवमेंट। आई थिंक कुछ लोग हो सकता है कि अपने काम के लिए कोई नई जगह ढूंढ रहे हो, लुकिंग फॉर एन अपार्टमेंट, लुकिंग फॉर अ प्लेस, और मे बी इट्स अबाउट फॉरवर्ड मूवमेंट, इट्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, और लुकिंग फॉर समथिंग एल्स गोइंग ऑन, मुझे ऐसा लग रहा है काम के लिए। बट क्या वो काम आपका हो जाएगा? येस ऑफ कोर्स, आपको अपनी तरफ से मेहनत करनी पड़ेगी। और दूसरा ये कि आपको अपनी पूरी एनर्जी उसमें यू नो पुट करनी पड़ेगी। हो सकता है कि आपकी कोई इसमें हेल्प करे, कोई मदद करे, बिकॉज आई एम गेटिंग लाइक मल्टीपल पीपल अराउंड यू। शायद हो सकता है कि आप किसी के साथ मिलके कुछ कर रहे हों, बट येस ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत इसमें स्ट्रगल भी हो सकती है, या यूँ कह लीजिए कि इसमें छोटी मोटी कन्फ्लिक्ट भी हो सकती है। बट लेकिन क्योंकि अगर आपको आगे बढ़ना है, आपको अचीव करना है, देन आई थिंक देयर इज़ लाइक येस, अगर अचीव करना है तो आपको अपनी उस पर लाइक डटे रहना होगा कि येस यू वॉन्ट टू डू इट, तो शायद आप ज़रूर आगे 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 जाएंगे। बिकॉज एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रही है, एक चेंज दिखाई दे रहा है। हो सकता है कुछ के लिए इट्स अबाउट टोटली शिफ्टिंग टू अ न्यू प्लेस, न्यू सिटी। पेशेंस रखिए,
प्लेफुल रहिए, और शायद हो सकता है कि आप बहुत सारे गिल्ट कैरी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, देर आर थिंग्स आपको या तो लोग नहीं जीने देते या बहुत ज़्यादा गिल्ट है, तो उन सब चीज़ों में से बाहर निकल आइए एंड अपने आप को हैप्पी रखने की कोशिश करिए। पास्ट बर्डन मत कैरी कीजिए, पास्ट लाइफ, एंड वेट फॉर योर टाइम, वेट फॉर योर टर्न, वी हैव दैट डिवाइन टाइमिंग, राइटनेस। हर किसी का वक्त आता है और सही वक्त पे ही वो वक्त आता है, ना उससे पहले ना उससे बाद में, तभी उसको कहते हैं डिवाइन टाइमिंग। सो दिस इज़ इट, ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो, मुझे कमेंट कीजिए, मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग, टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।